It's a pleasure to meet you, Mr. Manto. You're a great story writer of Pakistan. No, thank you. Of South Asia, in fact. Well, of course, of course. So what can I do for you, Consul? Well, you wrote a letter to Uncle Sam. But I never posted it. I did not have the money to purchase the stamp, you see. But you got it printed, didn't you? Yes, I did, in Urdu. You have read it. Well, I was very lucky because my colleague here, Mr. Salim, interpreted it for me. I found it very incisive and very hard-hitting. Your stories on partition are very moving, Mr. Manto, very moving. If you have read them, then you would also be knowing that I have to pay a huge price for that. To the left, right, and the government. We'd very much like you to write for us, Mr. Manto. But I write in Urdu only. Oh, we have an Urdu magazine. Ji, Safarat Khane ka semai jarida hai, jisme hum mumtaz kalamkaron ki tehreere shaya karte hain. But why should I write for you? Well, why not? I mean, you write for all the local magazines and newspapers, and as I understand it, it is your only source of income. Okay. To start with, I can write a short story for you. One. Well, that's great, Mr. Manto. How much will you charge? I would charge rupees 200 for one story. You got to be kidding me. 200 rupees? It's too little. A ridiculously small amount for such a great writer as yourself, Mr. Manto. Well, I mean, I would say something like 500 rupees for a story. No, Mr. Consul. As I have said, I will charge rupees 200 only. Not a rupee more. Only then will I write. My wife makes very good Kashmiri tea. You must try it. Oh, charming. And the cups are properly washed. I'm sure. आपको तो भावताव करना भी नहीं आता। सफिया, तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे 25 नहीं हद 40 रुपए मिल जाते हैं कहानी के, वो तो 200 रुपए दे रहे। ये अमरीकी हैं साद साहब, ये डॉलरों में सोचते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसी रकम नहीं लेना चाहता सफिया, जो मेरे ज़मीर पे बोझ बने। अमरीकी ये सोचें कि वो पाकिस्तानी अदीबों को डॉलर दिखाएंगे और उनकी रालें टपकने लगेंगी।
बिकाऊ माल नहीं हूँ। चले गए गुरु। क्या चाहते थे? साद साहब की कहानियाँ खरीदना चाहते थे, मुआवजा दे रहे थे। अमरीकी आजकल बहुत से गर्म हुए हैं, आपने क्या कमा हो जाए? कुछ नहीं, मैंने कह दिया कि 200 रुपए दे देंगे तो लिख दूंगा कहाँ। बस 200 रुपए? क्या सोचते होंगे वो लोग भी। वो 500 कह रहे थे, ये अटके रहे 200 पे। यार इस फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं है मामा जान, सोने की कान है ये। अगर आप चाहें तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जाओ जूसे को सिगरेट की डब्बी ला दे, ये भी खत्म हुई भी। दरखास्त करने आए थे कि अमेरिका के खिलाफ लिखना बंद कर दें। मगर वो तो अफसाने लिखते हैं, इसमें अमेरिका का जिक्र कहां से आ गया? अरे मजमून भी तो लिखते हैं मंटो साहब, उन्होंने खत लिखा था अंकल साम के नाम, उसमें बड़ा लताड़ा था अमेरिकी सरकार को। अमेरिकी सदर का नाम अंकल साम है? ट्रू मैन या ऐसा ही कोई नाम है। वही तो शाहजी, अंकल साम अमेरिका को ही तो कहते हैं। बड़ी ताकत होती है कलम की। कलम भी अगर मंटो साहब का हो। तलवार है तलवार। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। लो बच्चों, कैसा रहा स्कूल में दिन आज? हाँ मम्मी, आज स्कूल में बड़ा मजा आया। उर्दू की जगह पेट खराब हो गया, क्लास के दौरान जाना पड़ा। हैं कहाँ चले गए? वॉशरूम और कहाँ। चल अक्कू, भाई को ले जा, जाके कपड़े बदल के आ, खाना लग गया। डैडी होंगे खाने पर? नहीं मेरी जान, वो दफ्तर चले गए हैं। कितने दिन हो गए उनको देखा भी नहीं, रात को भी वो देर से आते हैं, मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं याद है। हाय मेरा बच्चा, मैं बाबा से कहूँगी जल्दी आ जाएंगे। हाँ आप कपड़े बदल लो, आज आपके लिए कोफ्ते बनाए हैं मैंने। चल जा मेरा बच्चा। चल अक्कू, भाई को ले जा। वैसे मैडम जी, साहब को टाइम देना चाहिए बच्चों को। देख रहा है ना सीधे, गाना भी गाती हूँ, शूटिंग भी करती हूँ, पर बच्चों को पूरा वक्त देती हूँ। और एक तेरे साहब है, बच्चों के लिए वक्त नहीं उनके पास। बम्बई के जमाने में तो तेरे साहब ऐसे नहीं थे, 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमते, तंग आ जाती थी मैं। और खानदान के दौर में तो इतना ख्याल रखा है मेरा, मजाल है किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखता। लेकिन मैडम जी, आप बच्चों के साथ ज्यादा मसरूफ हो गई हैं। यही वो वक्त होता है जब खावंद हाथ से निकल जाते हैं। नूर जहां ही सही, लेकिन बच्चों की माँ भी तो है। अब तो खुद सोच, ये मासूम फरिश्तों को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती। फोन पड़ा मैंने। जी मुझे तार खिंचला है ना। जी उन्हें ले। जा बच्चे देख ले। हेलो। जहे नसीब टाइम मिल गया है। MCC ना हुई मेरी, सौकन हो गई। सियालकोट में सेंचुरी करने की मुबारकबाद के लिए फोन भी नहीं किया। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए गाना गाया, मुंडे या सियालकोटिया। फिल्म का है, अच्छा आया। अच्छा सुन, जब तू लौरा के मैंने ना मिल जाना, तो मेरा पता है, मैं पहुंच जाना स्टेडियम। हाँ अमरीकी साम्राज्य पसपा हो रहा है, अफ्रीका, वियतनाम, कोरिया, इन सब में इनकलाब की लहर बढ़ती चली जा रही है। सुइकार्नो, हो ची मिन्ह, नक्रोमा और अब ईरान का मुसद्दिक साम्राज्य दुश्मनी का झंडा लहरा रहा है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि पाकिस्तानी हुक्मरान कब तक रोक सकेंगे इस यलगार को। पाकिस्तान में जनाब लीडर और दानिश्वर खरीदे जा रहे हैं, जो बोलते हैं उन पर साजिश का केस चलाकर जेल में डाल दिया जाता है। अब नहीं सुनी है, अब तो मंटो की भी बोली लग गई है जनाब।
अमरीकी कौंसल उसके घर पहुंच गया है ऑफर लेकर। जिस मंटो को मैं जानता हूं वो बिकाऊ नहीं है। अरे रहने दे जनाब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एक मफलूकुल हाल रांदाए दरगाह अदीब डॉलर की चमक के आगे ठहर सकता है या नहीं। मियाँ साहब, लगता है आपके इरादों में कमजोरी आ गई है। इरादे तो हमारे अभी तक जवान हैं, बस सेहत का मामला कुछ गैर यकीनी है। डॉक्टर गौरी ने कोई दवा तजवीज की? डॉक्टर पीरजादा से मुलाकात तो हुई, बस अब उनकी फाइनल ओपिनियन का इंतजार है। वो किताब जो छोटे मियाँ के तकिए के नीचे से निकाली थी वो कहाँ है? ये रही। वो हमने इसको अपनी साइड टेबल में ड्रॉअर में रख लिया था, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आप इसे पढ़ने का इरादा तो रखते हैं ना? यकीनन, आखिर मालूम तो हो कि इसमें ऐसी क्या चीज है। तो फिर मिलकर पढ़ लेते हैं। मोहिद्दीन, हमारी दवाएं ले आए? ठीक है, जाओ। तशरीफ रखिए ना, पान। जाके दे, नाचो तैयार हो गई है। नाजो, वो भाई जी बुला रही है। अच्छा, कह दो मैं आ रही हूँ, जरा कहानी खत्म कर लो। क्या हुआ? आ रही है। अरे क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। आहिस्ता बोल। ग्राहकों ने सुन दिया तो बदनामी हो जाएगी। इतनी कमबख्त को किताबें पढ़ने की लत कहाँ से पड़ गई? उठो लड़कियों, चल मुद्रा करो। चलिए आइए।
अज्जू 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 जी साहब भाजी से पैसे लेके जाओ और बाजार से एक सिगरेट का डब्बा ला लो। हेलो सर। तेरे पास सिगरेट की डिब्बी क्या कर रही है? तू तो सिगरेट नहीं पीता। ये तो मैं तड़े हाथ से रखी सी। तनु कदे भी लोड पै जांदी है ते फिर बाजार भी बंद हुंदा। अच्छा शुक्रिया। ठीक है जा। जी सर। कहाँ गए थे आप? स्टोर पर? बाहर तक गया था। शर्म नहीं आती आपको? इस तरह धोखा देते हैं आप? सिर्फ मेरी तलाश ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मुझे कुछ नजर आया। मैं तो आपको नजर में आने लगा है आपको? ठीक है, कल डॉक्टर के पास जाएंगे, इसका भी इलाज करवाइए। तब तक ये खिड़कियां बंद कीजिए और सो जाइए। गुलाम इंसाफ का तालिब है जहाँ पना। बोलो तुम क्या करते हो? आलम पना के साए तले इस गुलाम ने एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री खोल रखी है। कपड़े की घाट पर तुम खुद धोते हो? नहीं आलम पना, ये जलील काम मैंने दूसरों के सपोर्ट कर रखा है। चल सारा पेंट मुंह पे और कपड़ों पे लगा लिया। कपड़े खराब कर लिए सारे। निकी भाई मेरे पुराने कपड़े हैं, अगर
खराब भी हो गए तो कोई बात नहीं। ये भी ठीक है, कपड़े खराब हो भी गए तो नए आ जाए, लेकिन फर्नीचर वगैरह पे तो ध्यान से अखबार और चादरें डालती हैं ना। अगर किसी चीज पे कोई छींट गिर गई तो मम्मी पिटाई कर देंगे। किसकी, मेरी या आपकी? नहीं भाई, तुम लोगों की पिटाई तो नहीं होती। हाँ अलबत्ता अब्बा की पिटाई जरूर हो सकती। बड़े मामू, आपने वादा किया था ना नूरजा मेरी सहेलियां में आएगी। अच्छा, वादा किया था मैंने? जी। भाई वादा किया था तो पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, आ जाएगी नूरजा तेरी सालगिरह पे। हैं? अम्मी नहीं सालगिरह पे नूरजा आएगी? काकू को तो मेरा ख्याल है सिर्फ नूरजा के ख्वाब आते हैं। छुट्टी वाले दिन कौन आ गया? निकी जाके देखो दरवाजे पे कौन है। अगली दफा मैं सोच रहा हूँ नजी, अपनी बच्चियों के कमरे में गुलाबी रंग का रंग करूंगा। ठीक है? ठीक है पापा। अब वो आए? कौन वो? वो अमेरिका वाले। फिर आ गए अमेरिका वाले। अच्छा भाई, चीजों को कोई नहीं छेड़ेगा, अब सीढ़ी के पास नहीं आएगा कोई। करीब नहीं आना। Come in, Mr. Consul. Come in, please. I am sorry about the mess. I was painting the walls. Okay. By yourself? Yes. I do it very well and do it very regularly every season. Okay. Please, all sit. Right. Okay. Well, thank you very much indeed, Mr. Manto. I won't take too much of your time. I'll get straight to the point. That would be a good idea. Well, Mr. Manto, we would very much like you to accept 300 rupees for the story. Please don't insist on 200 rupees. Accepting it as a special case only. Well, thank you very much indeed, Mr. Manto. Now, about the story, what is it exactly that you're going to write for us? Why do you ask me that? Oh, because we happen to be paying for it. Mr. Consul, I have agreed to write the story only. I will not accept any dictation. You will get the story in a few days. And it could be about anything. About anybody. It could be against you. Okay. Manto is not for sale. No one can tell me what to write and what not to write. Well, okay. Thank you very much indeed. I think it's time for us to leave. Goodbye, Mr. Manto. क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की, उनकी इतनी बेइज्जती करने की? मैं आपको समझते क्या है? आप हर आदमी ताबे है आपके, मातहत है। मदद करने आए थे वो आपकी, और आपने उनको ही नाराज कर दिया।
उनका रवैया गलत, खरीदना चाहते थे वो मुझे। आपकी कहानियां खरीदना चाहते थे जिन्हें आप खुद बेचने निकलते हैं रोज 15-15, 20-20 रुपए में। वो कहानियां मैं अपने मुल्क के नाशिरों को बेचता हूँ, ये अमरीकी थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पड़ता है सर दर्द कर रहा है, एक प्याली चाय पी लेता हूं। शहंशाह आलम लंच के लिए तशरीफ ला रहे हैं। दस्तरखान पर आज माँ बदौलत के लिए क्या क्या चीज हाजिर है? गोश्त पुलाव, माही पुलाव, मटर पुलाव, नारंगी पुलाव, मुतंजन बिरयानी, जरदा, रोगन जोश, कोरमा, टमाटर गोश्त, भिंडी गोश्त, मटर गोश्त, पाए का शोरबा, कीमा, भेजा, चिकन कटलेस, पोटैटो कटलेस, मटन कटलेस, चिकन चॉप्स, पोटैटो चिप्स और खुदा जहां पना का भला करे अरहर की दाल। अरहर की दाल माँ बदौलत को बिल्कुल पसंद नहीं। ये गुलाम इंसाफ पर तालिब है जहां पना। बोलो तुम क्या करते हो? आलम पना के साए तले इस गुलाम ने एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री खोल रखी है। कपड़े की घाट पर तुम खुद धोते हो? नहीं आलम पना, ये जलील काम मैंने दूसरों के सपोर्ट कर रखा है। फरियादी ने 4 महीने हुए महसूस किया कि उसके ये तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम उसका साबुन खा रहे हैं। ऐलान कर दिया जाए कि माँ बदौलत ने संगीन मुकदमे का फैसला मुरतब करने के लिए एक कमीशन बिठा दिया है। कमीशन? 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 हाँ कमीशन। आलम पना जिंदाबाद, आलम पना जिंदाबाद, मंटो जिंदाबाद। मंटो, मंटो, वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? कौन? मैं हूं कासमी। कासमी, ये क्या हुलिया बना रखा? मैं अंडरग्राउंड हूं। यानी जेरे जमीन। तो अभी क्या कर रहे हो ओवरग्राउंड? आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ बताओ, आज तो मैं बहुत अमीर हूँ। कितने रुपए चाहिए? अमरीकियों के लिए लिख रहा हूँ, डॉलर चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया, दरअसल ये खत है जहीर को पहुँचाना है, उसके घर पे भी पहरा है और खुफिया वाले मेरे भी पीछे लगे हुए। कासमी, खुफिया वाले मुझे तुमसे ज़्यादा पहचानते हैं। हाँ मगर वो तुम्हें हमारे साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। पेशी भुगत के आ रहा हूँ अभी चंद महीने पहले। काम करोगे या नहीं? डर गए? इश्तियाल दिला रहे हो मंटो, और डर जाए। क्या काम है? ये खत है, जहीर के घर के कोने पर ईडन रोड पर एक चाय सिगरेट का खोखा है, उसे ये खत दे देना, कहना गोरे साहब के लिए। गोरे साहब के लिए? कोड वर्ड। आसमी तुम लोग इनकलाब लाने से बाज नहीं हो। हाँ और तुम्हें यह जानकर मुसर्रत होगी कि अंजुमन अपने अगले इजलास में तुम लोगों के बॉयकॉट की करारदाद वापस ले लेगी, ये तय हो चुका है। कासमी, अंजुमन के बॉयकॉट की वजह से मेरी शोहरत और साख में जो इजाफा हुआ है मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये अंजुमन की क़यादत की तंग नजरी का नतीजा है, उनको इस बात का एहसास है
एक बात पूछूंगा इसमें। पूछो। बायकॉट के दिनों में जो खत तुमने मुझे लिखा था, खुला खत, वो तुम मुझे जाती तौर पे भी भेज सकते, उसे छपवाना ही क्यों जरूरी समझा तुमने? वो खत तुम्हारे लिए नहीं था, वो एक नजरियाती बहस थी, मेरे ऊपर बहुत दबाव था। तुम अब भी यही समझते हो कि स्याह हाशिए में मैंने लाशों की जेबों से सिगरेट के टुकड़े और उनकी उंगलियों से अंगूठियां उतार कर अपनी जेब में जमा की थी? स्याह हाशिए फसादात के मौजू पर लिखी गई एक अमर तहरीर रहेगी। मैं उन रिमार्क्स पर शर्मिंदा हूं, चलता हूं, अपना ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता अब वो लोग फिर आएंगे। हक्का बक्का ही रह गए वो तो। मामा जान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी आते। सुनते थोड़ी है किसी की, चढ़ा रखी होगी। मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा भला घर का काम कर रहे थे, सफेदी वगैरह? एक तो इनकी जो अना है ना, वो उन्हें बहुत खराब करती है। अगर MCC का मैच ना होता, मैं उनके साथ बैठता, शायद संभाल ही लेता सूरत हाल थोड़ी सी। आप कहाँ गए? रेडियो गए थे, उसके बाद कहाँ भटक रहे हो पता नहीं। ताकू की सालगिरह याद है ना? हाँ हाँ हमें तो याद है, कैसे भूल सकती हूँ। और अभी तो उसका तोहफा भी लाना है। उसका एक तोहफा है जो मामा जान ही ला सकते हैं सिर्फ। वो क्या है? जानती है मिसेस मंटो, तेरे शौकत सब एक्स्ट्रा लड़कियों को कितने मजे से डायरेक्शन दे रहे। मेरा सीन हो तो उठ के चले जाता। अरे तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है बेबी। डायरेक्शन की जरूरत नहीं फिरोज, लेकिन तवज्जो की जरूरत तो है ना। अरे मैडम जी, उसके लिए हम जो हैं दूर फिटे हुए। मैं कुछ और बात कर रही हूँ। अरे मैडम जी, मैं भी तो ही कह रहा हूँ अपने वालों। जा जाके अचार लेके आ, मेरा गला बड़ा खराब है, जा। मंटो। शौकत, कैसे हो मेरे यार? ठीक। किसी ने बताया नहीं अंदर शूटिंग हो रही है, वरना मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा हो जाता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम कौन सा रोज रोज आते हो? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है तुमसे। मैडम नूर मेकअप रूम में होगी। सुनिए जरा, मंटो साहब के साथ जाइए और इन्हें मैडम तक पहुंचा के आए, वापस आइएगा। कंटिन्यू। मैडम जी। कौन है? नूरे जहां। मंटो जी आई आई, खुद से मिलने तो आएंगे नहीं आप? तुम ही से मिलने आए। तो ये फूल यकीनन मेरे लिए नहीं होंगे। फूल भी यकीनन तुम्हारे लिए ही हैं। क्या बात है मंटू जी,
आप इतने महज़ब कब से हो गए? अरे भाई इनको दो घड़ी हमारे साथ बैठने दो, खुद ही गैर महज़ब हो जाएंगे। आइए तशरीफ रखिए। तुम बीच में मत बोलो फिर, ये मेरी और मंटो जी की बात है। जय देव जी। मैडम जी, मंटो जी ले चाय ले क्या? दूध पत्ती ले आवा चाय। अरे बेबी मंटो साहब आए, खुदा का खौफ करो, चाय। चल जो मंटो जी कहते ने वही ले आ दे। क्यों मंटो जी, की पियोगे? तुम अच्छी तरह जानती हो नूर के मैं क्या पीना पसंद करता। मैं अपने वालों कोला पा के ले आऊ। कुछ भी पा के ले आ, कुछ लेके दे आ, जा। मंटो जी बड़े अरसे बाद आए हो, कभी साड़ी याद नहीं आई? याद तो बहुत करता हूँ तुम्हें नूर। हाँ जी, पढ़ा था मैंने आपको जो याद आती है हमारी शबाब साहब के रिसाले में। कभी कुछ अच्छी यादें भी तो छापा करें। अच्छी यादों को सिर्फ दिल में रहना चाहिए, उनसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। मंटो जी हम जैसे को तो गर्ज होती है। जमाना बदल गया, बंबई वाला माहौल नहीं है यहाँ। क्या वक्त था वो। सही कह रहे हैं मंटो जी, क्या वक्त था वो भी। सिर्फ जगह ही नहीं लोग भी बदल गए अब तो। मगर शौकत हुसैन रिजवी तो बिल्कुल नहीं बदला, वही सूटेड बूटेड फ्लर्ट। हाँ जी, मुकाबला चल रहा है आजकल मेरा और उनका। हाँ सुना है तुम हिदायतकारी भी करने लगी हो, अब शौकत से मुकाबला करोगी हिदायतकारी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लर्ट करने का। तुम्हारे इल्म में नहीं है लेकिन मेरे घर में तुम्हारा एक आशिक, बहुत बड़ा आशिक, और ऐसा आशिक कि अगर उसका बस चले तो तुम्हें यहां से उठा के ले जाए। वो आप तो नहीं हो सकते मंटो जी, फिर कौन है? हाँ? नूरजहां नहीं जानती कि मैं भी उसके आशिकों की कतार में शामिल हूं, लेकिन अब मैं वो पुराना बंबई वाला राइटर मंटो नहीं रहा, मैं कल्लाश और बदनाम मंटो। मगर उसका ये आशिक बहुत मासूम, बहुत मुखलिस है, और मैंने तहैया किया है कि इन दोनों को मिलवाकर ही रहूंगा। मैं मंटो।